क्या सिंधु नदी के पास क्या कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं सर। हाँ भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं सर यहाँ पर मछली मार रहा हूँ। यहाँ पर इतनी दूर सिंधु नदी पर मछली मारने आते, पता है ये आतंकवादी एरिया है। हाँ भाई, इस झोले में क्या है? सर इसमें कुछ नहीं है, इसमें मछली मारने का जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको इस सिंधु नदी पर कोई भी आदमी दिखाई दे तो हमें कन्फर्म करना है। चलो हमारा कार्ड, अगर आपको यहाँ कोई दिखाई दे तो हमें इस पर कॉल करना है, ठीक है? मेरे भाई मधुसूदन भाई, तुझे सिंधु नदी से असला बारूद उतारना है और अब की बार हमें हिंदुस्तान पर अपनी विजय प्राप्त करनी है और दिल्ली मुंबई कोलकाता में हमें ऐसा बम ब्लास्ट करने हैं कि हिंदुस्तान की रूह ही कांपने लगे। जी भाई जान। और इन तीनों राजधानियों में बम ब्लास्ट करने से पूरे हिंदुस्तान को ही हम अपनी मिट्टी में कर लेंगे। ठीक है भाई जान, मैं भी सिंधु नदी से बारूद उतारता हूँ। चलो भतीजा, मेरे साथ चलो। सर कुछ बारूद, असला बारूद उतार रहा है क्या? ऑफिसर कुछ आतंकवादी सिंधु नदी से माल ब्लैक कर रहे हैं। कम ऑन गो फास्ट। ओके सर। सर साथियों। जी भाई जान, हम अपने मुकाम पर पहुंच गए। भाई जान के सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमें हिंदुस्तान में तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जी भाई जान, हर बार इंडियन आर्मी को हमारे प्लान का पता चल जाता था, इस बार पता नहीं चलेगा। चलो साथियों, माल उठाओ। ऑफिसर देखो, आतंकवादी बारूद लेकर जा रहे हैं। ऑफिसर सोच रहे, लगता है आर्मी आ गई, मुझे अपना भेष बदलना चाहिए। सर ये नहीं है मधुसूदन, वो है। ऑफिसर ये तो मर चुका है, चलो इन पेड़ियों को उठाओ। ऑफिसर लेकर मैं भी आ रहा हूँ। ओके सर। पता नहीं ये कौन है, अभी चलकर देखता हूँ।
आप इस सिंधु नदी पर क्या कर रही हो और कौन हो? कुछ नहीं सर, मैं यहाँ पर अपनी गाय चराने आई थी, मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पी रही थी। मैं भी देखता हूँ लड़की गाय चराने आई है या वो कुछ करने आई। सुनो ये बहुत खतरनाक जंगल है, आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। ठीक है सर जी। जयपाल सर यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। चलो इधर। जयपाल इसका दूसरा साथी कहाँ पर गया? ये खिलावट बन रही है, तस्वीर हटियो, लगता है वो जिंदा है। उनको वो लड़की मिली थी, वो आम लड़की नहीं थी, वो मधुसूदन की बेटी थी, वही आपके सर को किडनैप करके ले गई है। मधुसूदन के भाई अजर के पास लेकर गई है और उसका पता रावलकोट बॉर्डर के पीछे है। इस बारूद के साथ साथ इस फौजी को भी लेकर आए हो? और फतिमा मेरा भाई मधुसूदन कहाँ है और उसके साथी और बारूद की पेटियाँ कहाँ हैं? भाईजान वो इस फौजी ने मार दिए। हे फौजी, तूने मेरे भाई को तो मार दिया, बारूद भी बरामद कर लिया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। इसे फतिमा इतना टॉर्चर करो कि इसकी रूह भी कांप जाए। साथियों इस फौजी की चीखें बाहर तक गूंजने लगे, तुम बाहर निकल कर देखो, कोई भी परिंदा पा मारने के लिए नहीं आ पाए यहाँ पे। ठीक है भाई जान। ए फौजी देखो वो रहा आतंकियों का अड्डा, यहाँ पर आतंकवादी होंगे, हमें सतर्क रहना होगा। चलो इधर जाओ, सत्वी तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। अभी अपनी गन फेंक दो। मुझे तेरी बहुत दूर से तलाश दिया सर। चला ऑफिसर, सुन कसर कसर।